महाराष्ट्र के पुणे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो ट्रेनी पायलट जख्मी, निजी कंपनी का बताया जा रहा है विमान। बीजेपी की पांचवी लिस्ट में आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की सीट से लड़ रहे चुनाव, आकाश की जगह पर गोलू शुक्ला को टिकट। माया सिंह को ग्वालियर ईस्ट से बीजेपी ने दिया टिकट, बुरहानपुर से मंजू राजेंद्र दादू को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण और बोस राजू को तेलंगाना के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया, सुप्रिया श्रीनेत को मध्य प्रदेश और प्रमोद तिवारी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रंजना बघेल का मनावर से कटा टिकट, युवा पंचायत सदस्य शिवराम सिंह कन्नौज को बनाया प्रत्याशी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कहा कांग्रेस बताए कि वो एसपी के साथ गठबंधन करेगी या फिर नहीं, अखिलेश बोले कांग्रेस उन्हें भूखे में ना रखे। कमलनाथ पर रामगोपाल यादव का पलटवार, कमलनाथ को बताया छूट भैया नेता, कहा कि अखिलेश दे चुके हैं जवाब, कमलनाथ ने अखिलेश पर कसा था तंज। 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे पीएम मोदी, जगतगुरु राम भद्राचार्य की प्रकाशित किताबों का लोकार्पण। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल प्रियंका को चैलेंज, बोले कि दोनों में हिम्मत है तो मेरे सामने उन्नाव में आकर लड़े चुनाव। शिमला में पुराने मकान में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रामपुर जेल से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की शिफ्टिंग, आजम ने एनकाउंटर की जताई आशंका, आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला आजम की हरदोई में शिफ्टिंग, तंजीम फातिमा रामपुर जेल में रही। गाजियाबाद के एक होटल में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, जांच जारी, पहले भी बिहार की रहने वाली एक महिला का शव मिला था। यमुना एक्सप्रेस वे पर फॉर्चूनर और फॉक्स वैगन कार की आमने सामने की टक्कर, रॉन्ग साइड से आने से हुआ हादसा, तीन घायलों में से एक की हालत नाजुक। दिल्ली के तिलक नगर में विदेशी महिला की हत्या में खुलासा, महिला की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी के घर से मिला 1,75,00,000 रुपए कैश, आगे की कार्रवाई में जुटी दिल्ली पुलिस। यूपी के पीलीभीत में व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी रंगदारी, 15,00,000 रंगदारी न देने पर व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी, व्यापारी के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद पुलिस ने रंगदारी लेने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार, व्यापारी को बंधक बनाकर ली थी 2.75 करोड़ रंगदारी, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्रवाई, रणदीप भाटी गैंग के सदस्य की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फरीदाबाद में भारी सुरक्षा के बीच की गई कुर्की की कार्रवाई। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना, 612 ग्राम 24 कैरेट वाला गोल्ड जब्त, बरामद सोने की कीमत 37,00,000 रुपए, आरोपी से पूछताछ में जुटे कस्टम अधिकारी। लगातार निर्माण कार्यों के चलते मुंबई में खतरे के निशान पर पहुंचा AQI NT, स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। बिहार के मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी पर पटना के शीतला माता मंदिर में पूजा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुर्गाष्टमी पर की देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना, लोगों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं। दुर्गाष्टमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह के समय मंदिर में हुई विशेष आरती, भक्तों ने लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। नवरात्रि पर गुजरात के अहमदाबाद में नजर आई गरबा की धूम, दिव्यांगों ने किया गरबा, 700 दिव्यांग शामिल। पटना में दशहरे की तैयारियां, लंकापति रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला किया गया तैयार, कुंभकर्ण की का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया। विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच, धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने होंगी दोनों टीमें। विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला लेने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। विश्व कप में अब तक दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस शानदार, दोनों ही टीमों ने अब तक अपने 4 मुकाबलों में हासिल की है जीत। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, बाएं टखने में चोट लगने की वजह से आज मैदान पर नजर नहीं आएंगे पांड्या।